गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। टुडे आई विल टीच यू क्लास थर्ड इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का क्लास थर्ड चैप्टर नंबर 11 सेंटेंस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस हिंदी में होते वाक्य। ओके, हमने छोटी क्लास में पढ़ाया कि सबसे भाषा की कोई भी लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, लेटर। वर्ड, वर्डों से मिलकर क्या बनता है, शब्द यानी कि वर्ड बनता है। और शब्दों से मिलकर क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, लेटर। लेटर से मिलकर बनता है शब्द और शब्दों से मिलकर बनता है सेंटेंस। ओके, तो आज हमको सेंटेंस के बारे में ही पढ़ना है, सेंटेंस के बारे में पढ़ना है। और सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस मीन्स सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप यानी बहुत सारे समूह ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह है। दैट मेक्स, जो बनाता है, मेक्स मतलब बनाता है, कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस बनाता है, इज कॉल्ड ए सेंटेंस। इसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। ओके, आपस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस क्या होता है, आप बोल सकते हैं सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह होता है। दैट मेक्स, जो बनाता है कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस बनाता है, इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस। क्या बोलते हैं, सेंटेंस। ओके, ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। सेंटेंस हमेशा किससे बिगिन होता है, ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। यानी कि सेंटेंस का सबसे पहले क्या लिखा जाता है, बड़ा अक्षर लिखा जाता है। ओके, एंड एंड्स विद ए फुल स्टॉप। और एंड्स किससे होता है, विद फुल स्टॉप और ए क्वेश्चन मार्क। और किस एंड किससे होता है, क्वेश्चन मार्क से और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, या एक्सक्लेमेशन मार्क से वो खत्म होगा। ओके, तो वापस एक बार लेते हैं, सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे शब्दों से मिलकर बना होता है। दैट मीन्स, जो बनाता है कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस देता है, यानी कि शब्दों का वह समूह जो इसे बिल्कुल सही अर्थ निकलता है, सही मतलब निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। ओके, और ये मेन चीजें याद रखनी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब आगे आता है ए सेंटेंस। ए सेंटेंस होता है ऑलवेज बिगिंस, हमेशा स्टार्ट होता है विद ए कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है पहला वर्ड, पहला लेटर जो सेंटेंस में लिखा जाएगा वो कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। एंड एंड्स विद, और वो एंड्स होता है विद द फुल स्टॉप, फुल स्टॉप से एंड्स होता है। और एक क्वेश्चन मार्क, और एक क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क मींस इसमें अधिबोधक चिन्ह, इसमें अधिबोधक चिन्ह होगा, उसे एंड होता है। ओके, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं एक सेंटेंस से लेकर एक क्वेश्चन बता दूं। नाउ स्टूडेंट, मैंने आपको सेंटेंस की डेफिनेशन बता दी। अब एक एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं जो आपको बुक में है। क्वेश्चन नंबर ए है, गिवन बिलो आर सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं नीचे, टिक द सेंटेंसेस, आपको सेंटेंसेस को टिक करने हैं एंड क्रॉस आउट द रेस्ट, और दूसरे पर क्रॉस करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन वन है, जायरा रेन टू कैच द बॉल। जायरा एक लड़की का नाम है, रेन एंड बॉडी टू कैच द बॉल, बॉल को कैच करने के लिए। तो ये राइट लिखा हुआ है, रॉन्ग लिखा हुआ है, ये राइट लिखा हुआ है। ओके, तो जायरा रेन टू कैच द बॉल, ये भी राइट लिखा हुआ है। द कैच इज, पूरा सेंटेंस नहीं लिखा गया है। ओके, तो ये इससे कंप्लीट सेंस नहीं बनता है, तो ये सेंटेंस सही नहीं है, इसे क्रॉस आउट कर दिया। इस पर थर्ड है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग बास्केटबॉल, चिल्ड्रन बास्केटबॉल खेल रहे हैं, ये बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा गया है, इसे मींस निकल रहा है, इसलिए यहां पर राइट कर दिया। और बर्ड्स इन द बुश, बर्ड्स इन द बुश का मतलब क्या होता है, तो मींस ये झाड़ियों में पक्षी, बर्ड्स यानी पक्षी, इन द बुश यानी कि झाड़ियों, झाड़ियों में पक्षी, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, कोई सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए कोई सेंटेंस नहीं बन रहा, इसलिए क्रॉस आउट कर दिया। फॉर नोट डाउन कर लो, उसके बाद दो और सेंटेंस बचे उनको कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, स्वीट्स आर टेस्टी, स्वीट्स जो है वो टेस्टी है, सही लिखा हुआ है, गलत, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो राइट होगा। और लास्ट है, हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो ये भी सही लिखा हुआ है, इसको भी राइट होगा। तो जो सेंटेंस सही लिखे हुए उसको मैंने राइट किया है, तो जो सेंटेंस सही लिखे हुए उसको मैंने क्रॉस आउट किया। तो आज जितना भी समझाया उसको बट नॉट डाउन करें। थैंक यू।